तो जैसे कि आपके बिल्ली या डॉग के ऊपर अगर कोई कलर डाल देता है बाहर, अगर सपोज बिल्ली जाती है कुछ खाने वाने या ऐसे ही घूमने के लिए, तो कुछ बदमाशी करते हुए लोग कलर वलर डाल देते हैं। जैसे मेरी बिल्ली के सर पे अभी ये आप देख सकते हैं एक कलर डाल दिया गया है, और ऐसा ही कलर पूरे बॉडी पे था, स्पार्कल ग्लू स्पार्कल किसी ने लगा दिया था। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल आप एक सूती कपड़े को, कॉटन कपड़े को गीला करके इस तरह से अच्छे से, जो बिल्ली आपकी आराम करे जहाँ पे, धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से आप उसको बिल्कुल मसाज की तरह क्लीन कर दीजिए पानी में भिगा के। शैम्पू भी आप लगा सकते हैं, शैम्पू हो तो और बेटर होगा। देखिए कुछ ज़्यादा ही इसको आराम मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और ये जो साफ भी हो रहा है आपका बहुत अच्छे से। और ये हरकत इसके पूंछ की देखिए, इसकी पूंछ की हरकत से ये लग रहा है कि ये अभी पूरे आराम में नहीं है, कुछ हरकत ये नोटिस कर रही है, बट इसको साफ़ करवाने का दिल है तो ये साफ़ भी करवा रही है बिल्कुल। आप देखिए बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा पानी लगा के, और शैम्पू भी आप जैसे पानी में शैम्पू थोड़ा सा घोल करके उसी तरह इस कपड़े को गीला करके आप उससे भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है, ये इसने कुछ देख लिया है। और ये देखिए तूफानी कुछ इसी के साथ सुपर एक्शन भी हो गया है यहाँ पे, आ जाओ बिल्कुल। ये देखिए इनको कुछ नज़र आया है अपना शिकार, जैसे कि बिल्कुल ये देखिए लिजर्ड है यहाँ पे, छिपकली। चलो आ जाओ, चलो नीचे उतरो, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। ये देखिए इसके सर पे भी यहाँ पे वो है, एक निशान है, इसको हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, बैठी रहे तो आप हल्का हल्का करके ये साफ़ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये साफ़ हो रहा है धीरे धीरे, ये आहिस्ता आहिस्ता आप उंगली से कपड़े को फंसा के ये अच्छे से करवा भी लेगी, इसको अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये सफाई करवा रही है, और ये सफाई इनकी हो गई है, ये दाग बिल्कुल चला गया, देखिए बहुत अच्छे से करवा लिया इसने। तो डिपेंड करता है कि आप अपने कैट के साथ या डॉग के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं। इसको लग रहा है कि बिल्कुल मेरे साथ कुछ हरकत हुई थी जिसका किसी ने ख्याल रखा है, और उसने मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करके ये बिल्कुल देखिए साफ़ हो गया एज इट इज़ नॉर्मल। और ये जो ज़ख़म आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये इस वीडियो में एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह के जो ज़ख़म कान में हो जाते हैं तो यहाँ पे आप ये तो ये खुद से अपने सलाइवा से भी साफ़ कर लेती हैं हाथ पे लगा के। छोड़ो छोड़ो चलो, टीवी गिर जाएगा यार, टीवी गिर जाएगा। तो ये अपने सलाइवा से भी कर लेती हैं, और एक स्कैवियन एक स्प्रे आता है और ऑइंटमेंट भी आता है, ये इनका नाखून फंस गया इसमें, तो स्कैवियन आता है उसका ऑइंटमेंट भी आता है, वो भी आप इस तरह के ज़ख़म पे लगा सकते हैं, जिसने कान को छोटा कर लिया है। देखिए स्कैवियन लगा सकते हैं और उसका स्प्रे आता है, लेकिन स्प्रे रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो बहुत तेज़ स्मेल करता है, तो आप ऑइंटमेंट भी आप धीरे धीरे ऐसे लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर अभी रह गया है, तो इसको थोड़ा सा और वक्त अगर हम देंगे ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और ये यहाँ पे भी करवा रही है, मतलब कि इनको शिकार भी करना है, सफाई भी करवानी है, सारा कुछ करवाना है ऑल इन वन। तो अब ये चाट चाट के भी ये साफ़ कर लेगी। तो अब देखिए काफ़ी हद तक कलर जा चुका है ना। अब ये देखिए ये अपनी सफाई शुरू होगी इनकी, और थोड़ी देर ये धूप में बैठ जाए तो और भी अच्छा होगा। बाकी सफाई हम थोड़ी देर के बाद करेंगे जब ये अपना खुद से ये सब कुछ कर ले। तो मैंने यूज़फुल समझा इसको, क्योंकि काफ़ी लोग को इस तरह की शिकायत हो जाती है कि मेरे पेट बाहर चले जाते हैं तो कोई कुछ कर देता है, कलर लग जाता है या कुछ भी इस तरह का, तो उसका सलूशन ये है। तो इस तरह का और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पेट से रिलेटेड, साफ़ सफाई और कैसे मेंटेन करें, और छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कॉमन रोज़मर्रा वाली प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके लिए शायद आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल जाए,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी कर दें अगर किसी को ज़रूरत हो तो. टिल देन थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय बाय कर दो. चलो ओके.